चलिए अभी रुक कर लेते हैं कोटा की ओर, जहां पर आप सभी को बता दूं कि एमबीएस अस्पताल के अंदर चाकूबाजी का जो वीडियो वायरल हुआ था उसके अंतर्गत पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आखिरकार क्या कुछ मामला कह रहा है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में गुरुवार की देर रात को हुई चाकूबाजी के मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को पकड़ लिया है। आपसी सुनी के चलते हुए आरोपियों ने चाकूबाजी करके एक दूसरे की घायल किया, तो वहीं अस्पताल परिसर में हुई चाकूबाजी से दहशत का माहौल बन गया था और मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों के मुरली नायक दिनेश, रविंद्र कुमार, मनीष कुमार, लक्ष्मण, सूरज, मनीष चड्डा को गिरफ्तार कर लिया है। मुरली नायक कवलदा थाना अयाना का निवासी है और इसके खिलाफ में 3 मामले भी दर्ज हैं, जबकि रविंद्र कुमार के खिलाफ में 4 मामले दर्ज हैं, तो वहीं अन्य आरोपी दिनेश के खिलाफ में 2, मनीष, लक्ष्मण व मनीष चड्डा के खिलाफ में 1-1 मामला दर्ज है। गौरतलब तो यह भी है कि गुरुवार की देर रात को 5-6 लड़के पाइप व चाकू लेकर के मेल सर्जिकल वार्ड ए में घुस गए थे। वार्ड के अंदर भर्ती बंटी प्रजापत था और इसी दौरान बंटी के साथ मौजूद युवक और साथ ही युवकों ने हमला करने आए लड़कों के बीच चाकूबाजी हुई। चाकूबाजी के अंदर दोनों पक्षों का 1-1 युवक घायल हुआ था। सर्जिकल वार्ड में चाकूबाजी होने से वार्ड में भर्ती मरीज व तीमारदार दहशत में आ गए थे और वार्ड में भर्ती बंटी का 15 दिन पहले आकाशवाणी कॉलोनी में झगड़ा भी हुआ था जिसमें वह घायल हो गया था। 15-20 दिन पहले आकाशवाणी में झगड़ा हुआ था, तो उसमें एक एडमिट था, उसके राड़े वाड़े डली बंटी प्रजापत, तो उसको मारने के लिए आए थे 5-7 लड़के। झगड़ा हुआ है आपस में दोनों पक्षों में, पाइप वाइप पर चाकू बता रहे हैं, पिस्टल जैसी बात, देसी कट्टा जैसी बात नहीं है।